हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे थायराइड की प्रॉब्लम या थायराइड की समस्याएं क्यों बढ़ रही है। तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट और पहला रीजन है कि यूजुअली लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लॉन्ग एंजाइटी या डिप्रेशन, तो यह चीजें हमारे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और वह हमारा जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर उसके फंक्शंस को या उसके हार्मोन को सप्रेस करता है। तो यह काफी इम्पोर्टेंट चीज है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज, हमारी यदि नींद ठीक से नहीं हो रही, आजकल हम देखते हैं कि बीपीओज के अंदर मोबाइल हैबिट्स की वजह से लोग काफी लेट तक काम करते हैं, तो वहां भी एक फैक्टर है कि थायराइड फंक्शन कम हो जाते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, हमारा जंक खाना, हम लोग आजकल बाहर का बहुत खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो यह हार्मोन जो रिलीज करता है वह सफिशिएंट नहीं होता है, उसको और ज्यादा काम करना पड़ता है और फिर धीरे 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 उसका फंक्शन थोड़ा डिरेल हो जाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज इज ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे किसी को यदि डायबिटीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या और कोई बीमारी है तो उनको थायराइड की समस्याएं जल्दी हो सकती है। यदि थायरॉयडाइटिस, जिसके अंदर थायराइड को स्वेलिंग आ जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से या कुछ क्रॉनिक कंडीशंस की वजह से, तो वह भी थायराइड का फंक्शन डिरेल करती है। यदि आप किसी मेडिकेशंस पर हो जिसका थायराइड पे असर हो रहा है तो वह भी आपको डॉक्टर से चेक करना चाहिए। और लास्ट इज यूजुअली कोई ग्रोथ हो गई हो, नॉट ऑलवेज कैंसर, लेकिन कुछ बिनाइन ग्रोथ्स भी, नॉन कैंसरस ग्रोथ भी थायराइड का फंक्शन अल्टर कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे कि थायराइड किस टाइप का होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। थैंक यू।